मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। यूपीएससी में मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं और इस अटेम्प्ट में भगवान की कृपा से मेरे को रैंक 231 प्राप्त हुई है। पिछले साल के हिसाब से इस साल मुझे आईपीएस मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इससे पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था और लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था। ये मेरी स्टोरी है। तो कैसी खुशी हो रही है क्योंकि अपन कर पाए थे सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भगवान का कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ बख्शी। मुझे लगता है कि अपनी मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे लक का और भगवान की ग्रेस का है जो इस बार मुझे मिली है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते सर, सबसे पहले तो माता पिता का प्रमुख रोल है इसमें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरे माता पिता ने किया। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स फैमिली सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मेरे को कभी किसी ने मेरी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन नहीं किया, तो उसके बेसिस पे आई थिंक कि इन सब का एक प्रोमिनेंट रोल रहा है मेरी सक्सेस में। और मैं टीचर का क्योंकि जो यूपीएससी में आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, दूसरे युवाओं को क्या प्रेरणा दें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेडिकेशन से कुछ समय देना पड़ेगा, पर यह ऐसा नहीं है कि इसको करना असंभव है। निरंतर प्रयास से किया जा सकता है और जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है उसको कुछ साल कमिटमेंट के देने पड़ते हैं सर। यही मेरा है। टीचर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई हो और आगे भविष्य में जो सिविल सर्विस में जाके आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी प्राथमिकता है? सर, अभी कोई एक पर्टिकुलर एरिया तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, स्पेशली क्योंकि मेरी रैंक 231 है तो प्रोबेबली मेरे को आईएएस सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो मैं हेल्थ सेक्टर, जो मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, मैं उसमें प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा वो काम। बट उसके अलावा मैं जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या चैलेंजेस है, उसके बेसिस पे मैं कोई फैसला लूँगा सर। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। यूपीएससी में मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और इस अटेम्प्ट में भगवान की कृपा से मेरे को रैंक 231 प्राप्त हुई है। पिछले साल के हिसाब से इस साल मुझे आईपीएस मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। इससे पहले के 2 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था और लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था। ये मेरी स्टोरी है। तो कैसी खुशी हो रही है क्योंकि अपन कर पाए थे अपने। सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भगवान का कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ बख्शी। मुझे लगता है कि अपनी मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे लक का और भगवान की ग्रेस का है जो इस बार मुझे मिली है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते सर, सबसे हैं? पहले तो माता पिता का प्रमुख रोल है इसमें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को मेरे माता पिता ने किया। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स फैमिली सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मेरे को कभी किसी ने मेरी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन नहीं किया, तो उसके बेसिस पे आई थिंक कि इन सब का एक प्रोमिनेंट रोल रहा है मेरी सक्सेस में। और मैं टीचर का क्योंकि जो यूपीएससी में आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, दूसरे युवाओं को क्या प्रेरणा दें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेडिकेशन से कुछ समय देना पड़ेगा, पर यह ऐसा नहीं है कि इसको करना असंभव है। निरंतर प्रयास से किया जा सकता है और जो भी बच्चा या जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है उसको कुछ साल कमिटमेंट के देने पड़ते हैं सर। यही मेरा है। टीचर यहाँ के बारे तक में आप सर, पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई हो और आगे भविष्य में जो सिविल सर्विस में जाके आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी प्राथमिकता है? अभी कोई एक पर्टिकुलर एरिया तो मैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, स्पेशली क्योंकि मेरी रैंक 231 है तो प्रोबेबली मेरे को आईएएस सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो मैं हेल्थ सेक्टर, जो मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, मैं उसमें प्रोबेबली नहीं कर पाऊंगा वो काम। बट उसके अलावा मैं जाके एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या चैलेंजेस है, उसके बेसिस पे मैं कोई फैसला लूँगा सर।